Shall we begin? मेरा नाम दीपक रावल है। मैंने फाइनेंस किया है सीएम कॉलेज ऑफ फाइनेंस से, और मैं स्पिरिचुअल पेंटिंग्स बनाता हूँ। ओशो से जुड़ा हूँ 91 से। तब से मैं ओशो का मेडिटेशन कर रहा था। डायनेमिक कुंडलिनी आश्रम काफी मेडिटेशन सालों भर किया। बाद में मुझे मैसेज मिला कि अहमदाबाद में लविंग करके एक सेंटर ओपन हुआ है, सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और वहाँ पे अलग अलग थेरेपी भी होती है, वहाँ पे बच्चों के मेडिटेशन भी होते हैं, कैंप होते हैं। वहाँ का स्टाफ भी पूरा एकदम लविंग है, मुझे लविंग पे जाना बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे मैं लाइफ टाइम मेम्बर हो गया। लविंग अहमदाबाद एक ऐसी जगह है कुछ नया कर रहा है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करने जाओ तो वहाँ पे जाओ तो गुरु शिष्य का होता है, यहाँ पे कोई गुरु नहीं है कोई शिष्य नहीं, सब इक्वल है। वो मैसेज मुझे छू गया है। और सब लोग ऐसे मिलजुल के फैमिली की तरह वहाँ पे काम होता है लविंग में, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और अपनी पहली बात आराम से किसी के साथ शेयर कर सकते हो, वो चीज़ मुझे ज़्यादा छू गई। डॉक्टर रमन गांधी जी वो जो जैन काउंसलिंग करा रहे हैं यहाँ पे, वो बाहर से सीख के आए हैं और पूरे इंडिया में एक ही है डॉक्टर रमन गांधी, वो जैन काउंसलिंग करा रहे हैं। और जैन काउंसलिंग उनके साथ करने से काफ़ी मेरे में इम्प्रूवमेंट आया है। कई चीज़ ऐसी थी मेंटली फिजिकली, उसमें काफ़ी मुझे चेंज मिला है। कई प्रॉब्लम्स थे तो मुझे वो पूरा रिमूव हो गया है, और मेरे वर्क करने में और सोसाइटी में पूरा डिफरेंट मुझे फील हो रहा है। लोग भी बोलते हैं कि क्या क्या है, इसलिए वो थेरेपी उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। वहाँ पे सेल्फ हिप्नोसिस होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने खुद में अंदर जाने की वो ऐसी क्रिया है जिससे काफ़ी फर्क पड़ा। कई चीज़ ऐसी अंदर दबी हुई थी वो चीज़ निकल गई। जिप्टिस होता है, जिप्टिस में भी काफ़ी अलग अलग लैंग्वेज बोलने से काफ़ी डिफरेंट हुआ, पूरा मन शांत हो गया, काफ़ी बाहर के रिलेशन कितने डिफरेंट हो गया पूरा। जो पहले बात हम करते थे कई चीज़ ऐसे साइलेंस से हम काम हो जाए, ऐसा हो गया पूरा डिफरेंट। इनर वहाँ पर इनर स्माइल भी होता है। बच्चों के लिए भी जो किड्स कैंप लगते हैं वो भी एक बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अगर बच्चे को आप उसी उम्र से शुरू करो तो काफ़ी उसके अंदर वो बीज हो जाएंगे, और वो बड़े होके जो ये चीज़ हमें निकालना पड़ता है वो निकालना नहीं पड़ती, उसकी ग्रोथ ही ऐसा होता है। इसलिए ज़्यादातर वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और जो इसमा में बच्चों के कैंप चलाती है वो मुझे बहुत छू गया, और लविंग जैसे मेरे फैमिली मेम्बर जैसा हो गया, तो उनके साथ मैं ऐसा जुड़ गया हूँ जैसे वो मेरा फैमिली। होम मेडिटेशन है वो पूरी ग्रुप थेरेपी है। कई साल मैंने डायनेमिक मेडिटेशन की है, लेकिन कई चीज़ अंदर पड़ी रह गई थी। होम मेडिटेशन करने से वो चीज़ निकल गई। पूरी ग्रुप के साथ करना भी इतना मजा आता है कि पता नहीं कि क्या हो गया, काफ़ी चीज़ निकल गई। तो इससे मेरे इमोशन पर काम हुआ है, और वही एनर्जी मैं अपने क्रिएटिविटी पेंटिंग में ट्रांसफर करता हूँ। लोग बोलते हैं कि क्या हो गया, कई कलर्स ऐसे थे कि मैं छूता भी नहीं था, तो पता नहीं वो मेडिटेशन करने के बाद पूरा सब कलर जैसे मेरे हो गए। इस तरह से पूरी एनर्जेटिक पेंटिंग मैं कर रहा हूँ। सब पूरा तेरी थीम और कलर्स के पूरा नया कुछ हो गया, तो सब वो मेडिटेशन पर आ रही है।